दर्शन बोझ ही नहीं। I was feeling beautiful, but I was in the hills. Got the little drugs, I was pitching more keys. Drugs and bike ride, all day, night, yeah. Name Jay, drugs, I'm caught by court. Drag me, listen, that's when I'm ready, boy. I'm feeling so low. I don't know why, I'm thinking about the pills when I open my eyes. Every day was thinking, being broken inside. Yeah, you're out, you're out, you're out, you're out, वैसे आप तालियां बजाइए क्योंकि ये इस इलाके के लिए तारीखी दिन है आज। भाई बहन बेटियां जो यहाँ आई हुई हैं, आप सबको आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ डंगी बच्चा में आके। ये एक सपना था क्योंकि इतना हमने इमेजिन ही नहीं किया था कि इतने सारे लोग यहाँ जमा होंगे। जब हमने ब्लॉक दिवस किया डंगी बच्चा में और वहाँ पे भी ऊपर डंगी बच्चा से भी ऊपर हम एक गांव में गए जितन, और वहाँ पे लोगों की ये बहुत बड़ी मांग थी। तो दो तीन हफ्ते से ही हम ये सोच रहे थे कि हम एक ऐसा काम करें जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि इस एरिया को, इस वर्जिन ब्यूटी को हम एक टूरिस्ट मैप पे ला सकें। यहाँ डंगी बच्चा में बहुत खूबसूरती है, सिर्फ डंगी बच्चा में नहीं बल्कि पूरे रफियाबाद के डिफरेंट डिफरेंट कोने। हमने आज एक बुकलेट भी निकाली है जिसमें हमने उन सब जगहों का नाम, मुंदजी हो या इसके साथ लडू लडूरा हो या बाकी जितने भी एरियाज हैं, कितरदजी, विजी टॉप, सतरवनी, बोसियान, कतबहक, कोकरवन, बुरदजी, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जो मुझे लगता है इनकी जो खूबसूरती है उसके बारे में मैं एक शेर कहना चाहूंगी क्योंकि शेरों का यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है। जिसे हकीर समझ के बुझा दिया तूने, जिसे हकीर समझ के बुझा दिया तूने, वही चिराग जगेंगे तो रोशनी होगी। तो ये हमारी खुदा ने दी हुई ऐसी नेमतें हैं जिनका एक तो उसका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है कि खुदा ने ऐसी खूबसूरती दी। शायद हम उस लायक भी नहीं थे कि इतनी खूबसूरती हमारे इन छोटे छोटे गांवों में दी है। और उसके साथ मुझे लगता है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक की एक जिम्मेदारी बनती थी कि हम इन एरियाज में टूरिज्म और यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसा हलाल रोजी का जरिया पैदा करें जिससे कि लोग जो हैं वो अपनी माशी हालत भी सुधार सकें। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोग आएँ, पूरी दुनिया से लोग आएँ और देखें और तारीफ करें खुदा की, इस कुदरत की, कि कितनी खूबसूरती है छोटी सी जगहों में भी कितनी खूबसूरती। पठान तो आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा, और एक पटाखा यहाँ पे है, उनका नाम है शहनाज अहमद, वो इसी एरिया के हैं और उनके घर पे पार्टी है, ही इज अ सिंगर, तो उनका गाना बनता है। मुंदजी में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो है, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ट्रेकिंग एक्टिविटीज है, उनको हमने प्रमोट किया और इनोग्रेट भी किया। टूरिज्म विलेज बनाने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये पहला कदम था जिसमें
हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने कल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ पे की और जो लोकल लोग थे उन्होंने यहाँ स्टॉल्स वगैरह लगा के अपने कल्चर को तो प्रमोट किया ही, साथ में जो है काफ़ी लोगों ने उनकी खरीदारी भी की है। तो ये जो है इससे टूरिज्म प्रमोट होगा, लोगों की आमदनी जो है वो बढ़ेगी, यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो काफ़ी एरियाज़ में अपनी जैसे चाहे वो घोड़े के ज़रिए हो या बाकी और माश के ज़रिए अपने कमा सकेंगे। ये एक पहला स्टेप है, इसके साथ साथ जितने भी बाकी वर्जिन एरियाज़ हैं उन सबको हम टूरिस्ट मैप पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी या जो इंटरनेट या बाकी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा, इसीलिए ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देखा कि कितने विद इन अपने ही रिसोर्सेज में हमने पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, अपने ही जितने हमारे पास अवेलेबल फंड्स थे, कोई नया एक रिसोर्सेज में हमें नहीं इन्वॉल्व करने पड़े और विद इन लोकल जो है एमिनिटीज़ हमने एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। हम कोशिश ये करेंगे कि साल में 2-3 बार इस तरह के फेस्टिवल्स इन लोकेशंस पे स्पेशली यहाँ पर अरेंज हों ताकि लोगों को पता चले कि ये कितनी वर्जिन ब्यूटी है यहाँ पर और लोगों का भी जो है मार्च का ज़रिया ये बने। तो गेम्स में भी इसमें बहुत सारे हमें देखने को मिल रही, चाहे वो क्रिकेट हो, बहुत सारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ यहाँ बच्चों ने स्पोर्ट्स में जो बहुत अच्छे भी हैं हमारे यहाँ बच्चे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की कमी थी तो हमने इवन स्नो स्पोर्ट्स जो है एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको अपने मन की बात में भी कहा कि स्नो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, तो उसको ही मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में स्नो स्पोर्ट्स जो है वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ट्रैकिंग हो गया, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इवन यहाँ पर लोग जो है सर्फिंग और ये स्कीइंग जो है उसको भी हमने देखा कि यहाँ पर कुछ स्लोप्स हैं जहाँ पर स्कीइंग का भी पोटेंशियल। Thanks.